दुर्भाग्य देखो मनुष्य का कि विधियों में तो इतना उलझ गया और निधि इससे दूर चली गई। प्रेम निधि नहीं है, न परिवार में है, न परिजन में है, न पड़ोस में है, न मोहल्ले में है, न आपके नगर में है, और सारी दुनिया में हो भी गया तुम्हारे मन में नहीं है, तुम्हारे हृदय में नहीं है। सारी दुनिया अगर प्रसन्न भी है और तुम रो रहे हो, तुम शंका में हो, लंका में हो, तो क्या लाभ? धर्म कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। धर्म को इतना महान, इतना बड़ा बड़ा, इतना डिस्क्रिप्शन, इतने डेफिनेशन, इतनी विधियां, ऐसे लाल बांधो तो पीला होगा, पीला करो तो लाल होगा, नींबू मिर्ची बांध दो दरवाजे पर तो नजर नहीं लगेंगे, तो कारगिल में बांध आओ, डोकलाम में बांध आओ, चाइना का नजर नहीं लगेगा। तो चाइना नजर लगा के बैठा, पाकिस्तान नजर लगा के बैठा, सारे मिलिट्री को बुला लेते हैं, आप लोग दो दो किलो नींबू मिर्ची दीजिए, जरा वहां लटकवा देते हैं, सैन्य खर्च रुक जाएगा, भारत का बजट कम हो जाएगा, रक्षा बजट, वो बजट शायद शिक्षा पर लग सके, आपके हैप्पीनेस पर लग सके। दिस इज नॉलेज। आप कहते हो हम नॉलेजफुल लोग हैं, विद्वान लोग हैं, हम भारतवासी, हम ज्ञानी हैं। भारत का ज्ञान ऐसा कभी नहीं रहा। हमारी सारी कवायद विधियों में, ये तो काशी है, यहां तो तंत्र मंत्र का खेल भी बहुत चलता है, हमने सुना है। यद्यपि काशी ज्ञान की भूमि है, ये उनकी भूमि है जो अपने प्रिया अर्धांगिनी जगन माता उमा से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उन देवाधिदेव महादेव की ये भूमि है। तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र की भूमि नहीं है ये। लेकिन जो डरे हुए लोग होते हैं, जिनके भीतर में फियर भरा हुआ है, डर, वो डरपोक क्या नहीं करते। इनको कह दो लाल धागा बांध लो, बच जाओगे, ये लाल धागा बांध लेंगे। इनको कह दो काला बांध लो, तो ये काला बांध लेंगे। मैं इस पे भी बोलूंगा, ये व्यर्थ नहीं है। धागों के, कलर के, साइंस बिहाइंड रिचुअल्स, इस पर मैं एक बुक लिख रहा हूं, बहुत जल्द वर्ल्ड को मिलेगा, दुनिया को मिलेगा। हमारे सनातन संस्कृति में जितने भी रिचुअल्स हैं, उनके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है, और वो सब सत्य हैं। उन दिनों जब राजमार्ग नहीं हुआ करते थे, पगडंडियां हुआ करती थी, दोनों तरफ वृक्ष हुआ करते थे, अचानक बिल्ली कोई उछल के इधर से उधर क्रॉस करती थी तो लोग जाते नहीं थे, क्योंकि यह माना जाता था कि बिल्ली का अचानक इधर से उधर उछल के आना, इसका मतलब कोई हिंसक जीव जंतु आसपास में है, तो बिल्ली जब रास्ता काटती थी तो लोग रुक जाते थे। अब इंडिया गेट पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि इधर भी मामला क्लियर, इधर भी मामला क्लियर, बिल्ली को चूहा पकड़ने कहीं जाना होगा, बिल्ली गई, तुम अपने काम में निकलो। वो हम तो कई बार ऐसी जगह फंसे हैं, हमने मजा भी लिया, आनंद भी लिया, हमारी गाड़ी आगे आगे चली जा रही है, हमारे पीछे कई गाड़ियां, और सतपुड़ा के घने जंगलों में सियाल ने रास्ता काट दिया, शाम के 6 बजे वन विभाग वालों ने कहा था जल्दी निकल जाना, हमने गाड़ी रोक दी, और रोकी तो पीछे 25-30 गाड़ी, कोई जा ही नहीं रहा है, बिल्ली के गले में कौन घंटी बांध। हम बोले आज आनंद ले, आज देखो कि इनमें से कोई जाता है कि नहीं जाता है, अब ये न जावे तो यहीं लुट पिट जाएं। वो बिल्ली और सियार तो गया बेचारा, उसका जंगल है, तुम्हारे घर में तुम बाएं से दाएं जाओ, दाएं से बाएं जाओ, तुमको कोई रोकने आता है?
जंगल जानवरों का घर है, वो बाएं से दाएं जाएंगे, तुम्हारे बाप का घर है कि वो चले भी नहीं। कमाल है। दिस इज रिलीजन, दिस इज स्पिरिचुअलिज्म, दिस इज धर्म, व्हाट इज दिस? भारत ही नहीं, दुनिया में सुन रहे लाखों करोड़ों लोग संस्कार चैनल के माध्यम से